हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज है संडे और ये देखिए, सैटरडे को जब मैं गई थी ना सुपरमार्केट, तो वहां से आते समय मैंने ये फ्लावर हे गाइस, सो दिस इज अभी 5 बज रहे हैं, 5:30, 45 मिनट्स। नहीं 50 मिनट हो गए हैं। ओके गाइस, तो ये देखो, ये है संडे हम मॉर्निंग। लोग अभी तो कितना ब्लैक दिख रहे हैं। 5:30 को ही ये दोनों जाग गए हैं, जाग गए हैं और सबको जगा भी दिया इन लोगों ने। मैंने नहीं जगाया, ये तो मम्मा ने मुझे जगाया। मैंने इनमें सो रहा था नीचे पे। मामा ने कैसे जगाया? उठो यशु, उठो, सुबह हो गई, ऐसे जगाया। हाँ शट अप, डोंट ट्राई। ये देखो, सिया सिया ने क्या बनाया, ये पेपर का वेस्ट किया इससे पेपर। तुम इसी हाँ पेपर में लिखोगी आज हाँ मैथ्स का प्रैक्टिस, तुम इस पेपर में भी करोगी। यू नहीं विल नॉट वेस्ट दिस पेपर। हाँ ओ गॉड, मुझे नींद आ रही है और ये दोनों तो जाग कर बैठ गएंगे। बाय। ओके, अच्छा तो ये था ना हमारा संडे ब्रेकफास्ट। तो ये जो रात को मैंने सागू भिगाए थे, साबूदाना, इसके मैंने ये पकोड़े बनाए थे। और लेकिन इसमें मैं पिस्ता डालना यानी पीनट डालना भूल ही गई एकदम से। बट एनीवेज, बहुत ही यमी बने थे और मैंने बहुत दिन के बाद बनाए थे ये। तो या तो साबूदाना वड़ा, और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा समोसा लेकर आ गए थे बाहर, क्योंकि पता है बिना समोसे के उसको या मेरे बच्चों को, है ना, उनका ब्रेकफास्ट पूरा नहीं होता है संडे को। जब ये बागे लेते हैं तो समोसा भी वहीं पे मिलता है, तो ही जस्ट स्प्रिंग अलोंग विद बागेट। तो एनीवेज, तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो रहा था, बच्चे भी सुबह सुबह जाग गए थे ना, तो मैंने उनको बिठा दिया ब्रेकफास्ट करने के लिए, ब्रश वगैरह करने के बाद, ताकि इनको, है ना, मैं लेके सुबह सुबह बैठ जाऊँ थोड़ा रिवीजन करने के लिए, क्योंकि मंडे से अब फिर एग्जाम शुरू हो जाएंगे एंड आई एम नो आई विल बी इन स्ट्रेस फॉर द होल वीक अंटिल फ्राइडे। तो या यहाँ पर, है ना, सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे साथ में। और ये बागेट ना सिर्फ संडे को ही आता है मेरे घर में, ये सेसमी सीड इसके ऊपर लगे होते हैं और इतना अच्छा टेस्ट करता है ना, स्पेशली चाय के साथ ये। तो संडे को मतलब ये मस्ट ही है हमारे घर में, तो मस्त है। एंड आई नो हर मॉरिशियन घर में ना ये बागेट जो है वो मस्त ही होगा, क्योंकि जो रोटियां होती है गोल गोल वाली, जो पाव, वो मोस्टली संडे को यहाँ मिलते नहीं है, या मिलते भी होंगे बट मेरे यहाँ पे नहीं मिलते हैं बेकरी में। तो ये बागेट आता है मेरे घर में एवरी संडे, और उसके साथ तो मैं मतलब भजिए या समोसे या जो भी है ये बस बनाती ही हूँ। तो आज था सागू वड़ा और वो भी बहुत ही टेस्टी बना था। फिर ये जो बच गए थे ना, ये मैंने ऐसे ही इसको बाउल में ढक कर रख दिया, ताकि चलते फिरते बच्चे अगर खाना चाहे तो लेके खा सकते हैं, और वो खाते भी हैं। और जो बचा वचा होता है तो वो शायद हम लोग 2-3 बजे कॉफ़ी वगैरह के थोड़ा सा खा पी लेते हैं, अदरवाइज ना रहता नहीं है, बच्चे खा के ख़त्म ही कर देते हैं। ये बाकी बच गए थे तो ये भी मैंने टिफ़िन में डाल दिया एक, और साइड में कर दिया। फिर जल्दी जल्दी अपना सारा किचन जो है वो साफ़ कर दिया, ताकि बच्चों के पास जाके, है ना, उनको रिवीजन कराऊं, क्योंकि मुझे, है ना, थोड़ी देर के बाद शायद बाहर जाना पड़ सकता है। आई एम नॉट श्योर, अभी बिट्टू फ़ोन करके पूछेंगे कि जाना है कि नहीं जाना है और क्यों जाना है, मतलब इस चीज़ के लिए। तो या तो बाहर जाना हो सकता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले किचन वगैरह बर्तन जो है ना ये सब साफ़ करके मैं हटा दूँ, ताकि मतलब किचन मेरा साफ़ रहे लंच बनाने के लिए। अदरवाइज तो मैं तो बस घूमती रहूंगी और इसमें मेरा बहुत सारा टाइम चला जाएगा। और आज मुझे, है ना, एक एक मिनट बचाना था और बच्चों के पीछे डालना था। और जब उनका एग्जाम चलता है ना, तो मुझे सच में बहुत स्ट्रेस हो जाता है। आई ऑलवेज थिंक कि अरे जस्ट एग्जाम, ग्रेड 3 ग्रेड 2 में तो है, क्या इतना टेंशन लेने वाह का। वाह बट वाह वाह, नहीं क्या नहीं प्रिपरेशन होता हो रही है है। एग्जाम की। अब यहाँ देखो, ओहो, और वो भी क्या फिल्म देखा जा रहा है? सिंघम, अर्ली इन द मॉर्निंग, बिग अजय देवगन फैन, एक्चुअली सिंघम फैन। उसकी और कोई पिक्चर नहीं देखते हैं, गोलमाल और यही देखते हैं खाली ये दोनों। बट अर्ली इन द मॉर्निंग, अ डे बिफोर योर एग्जाम्स। हाँ चलो चलो, बंद करो। ऑब्वियसली मम्मा ने कहा है तो बंद तो करना ही था। फिर मैं सिया को, है ना, यहाँ पे लेके बैठ गई। उसको मैंने मैथ्स के कुछ कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे, कुछ सम्स दिए थे, मतलब वो घर में एक सॉल्व कर दे, रिवीजन कर दे। सिया, है ना, सारे कामों में सबसे आगे है, पर पढ़ाई में ना वो बहुत ही वीक है, या मुझे लगता है कि वो बहुत बोर हो जाती है,
क्योंकि जो काम उसको इंटरेस्टिंग लगता है ना, वो तो वो सुबह से शाम तक करेगी और थकेगी नहीं वो लड़की। पर पढ़ाई बोलो ना तो उसके बहुत जान पे आता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग स्पॉन्टेनियसली बाहर निकल गए हैं, बट एक काम था जो जरूरी था और आज ही बिट्टू को छुट्टी है ना, तो इसीलिए आज ही जाना होगा और उसी को पता है कहाँ जाना है एक्चुअली। तो एक एक शॉप है जहाँ पर ये जो कन्या होती है ना नवरात्रि के लिए उनके ड्रेस को लेकर एक शॉप में जाना है, तो पता नहीं अभी मतलब एग्जैक्टली क्यों जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैंने सिया के लिए तो ड्रेस ले लिया, बट वो जो मंदिर के मतलब मंदिर के जो पर्सन थे ना उन्होंने कहा कि वहाँ शॉप में जाना है कुछ बात करने के लिए या जो भी है। सो या तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, देखते हैं क्यों बुलाया है और किस लिए बुलाया है। और सिया है हमारे साथ, यशु घर पर ही है, यशु को नहीं आ रहा था आजकल, उसको पता नहीं घर पे बैठने को बहुत मजा आता है, तो ही इज होम अलोन एंड सिया इज विद अस। ये देखो पढ़ाई छोड़कर लड़की आई है घूमने के लिए। सिया वॉज रियली रिलीव्ड कि हाँ चलो बाहर घूमने को मिला, एग्जाम का मम्मा ने टॉर्चर नहीं किया, एग्जाम एग्जाम पढ़ाई पढ़ाई बोलकर वो सच में बहुत रिलीव थी। मैंने उसको छोड़कर आ रही थी, मैंने कहा यशु रिवीजन कर रहा है अपना कि तुम भी भाई के साथ बैठ सकती हो ना, हम जाके पूछ कर आ जाएंगे, बट उसने तो मना ही कर दिया, बोला मुझे नहीं करना है मुझे चलना है करके। तो फिर हम उसको लेकर चले गए और बहुत दूर नहीं था, पास में ही था थोड़ा सा, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना था हमको, तो सुबह सुबह जल्दी जाकर हम आना चाहते थे। तो ये वो शॉप था, जब हम गए ना तो वो बंद था, ऑब्वियसली संडे था तो मतलब मोस्टली शॉप्स वगैरह जो भी होते हैं वो सब बंद होते हैं यहाँ पर। तो और ये घर भी था एक्चुअली पीछे में, उनका घर था तो इट वॉज़ ईजी फॉर देम कि आकर है ना मतलब वो जल्दी वो बता दें। तो बस हम चले गए और मैंने यहाँ से वो ड्रेस के लिए भी एक जगह बताया था उन्होंने, तो वहाँ पे भी हम गए थे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ गए थे। तो यहाँ पे मैंने सिया के लिए बिंदी ले लिया और चूड़ियाँ ले ली थी, और ये देखो इतने सुंदर सुंदर थे ना ये वॉल हैंगर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोची थी इंडिया में भी लेकर आऊँ, बट इन द एंड में लेके नहीं आई, छोड़ कर आ गई। दरवाजे के तोरण लेकर आई हूँ एक और एक दो, तो वो मैं दिवाली के टाइम पर निकालूंगी और वो लगाऊंगी। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं वो कब लगाऊं, बट पेशेंटली आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। यहाँ पर हमारा काम हो गया और ड्रेसेस भी थे तो बहुत सुंदर सुंदर ना लहंगा था, लेकिन क्या प्रॉब्लम थी ना कि वो लहंगा ना फुल साइज मतलब अडल्ट लहंगा था बड़ों के लिए था, और उसने कहा कि लेकर जाकर उसको अभी कटिंग करके सिया के साइज का भी करना होगा। बनी 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 मालू क्यूटी क्यूटी बनी लापे लापे, इन फ्रेंच वी कॉल बनी ए लापे LAPIN है ना सीओ। बनी इज टायर्ड, बस 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 अदरवाइज यू विल फॉल डाउन क्यूटी। हाँ तो जैसे जो लहंगा मैं बता रही थी, जो लहंगा होता है ना बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल शादी में पहनने वाला जो दुल्हनों का लहंगा होता है, पर वो बड़े साइज का था, और अगर मैं वो लेती तो मुझे उसको कटिंग शटिंग करा के सिया के साइज का करना होता, तो इट्स लाइक नो यूज, इतना पैसा डाल के मैं लूँ भी और फिर उसको इतना सुंदर लहंगा कट करके कौन बनाएगा। तो मैं छोड़ कर आई हूँ और फिर मैंने उसको कहा कि जो मेरे पास है ना मैं वही पहनाऊंगी उसको, नो प्रॉब्लम चलेगा। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैं खाना पकाने लगी, और आज मैंने बेटे को कहा था कि कोई सब्जी वगैरह मत लेके आने, क्योंकि मेरे पास ना काफ़ी सारी सब्जियाँ थी और मैं मतलब गोपुआ या फिर छोले वगैरह ये सब भी बनाना चाह रही थी दोबारा, तो इसलिए कुछ सब्जी मंगाया नहीं। और मैं यहाँ पर आ गई थी बनाना बनाने के लिए, बनाना की सब्जी। तो जो बनाना लेकर आया था ना बिट्टू वो ऑलमोस्ट कच्चा कच्चा था, तो मैंने कहा कि वाई नॉट, अब बनाना आया है तो एक दिन बस सब्जी बना के खा लेते हैं, इसके पहले कि मुझे बनाना केक बनाना पड़े फिर से। आई एम रियली वेरी बोर वो बना बना कर, मैं थक गई हूँ अभी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई थी बनाना की सब्जी बनाई, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला पर इतना टेस्टी बना था ना ये, फिर भी बस ऑनियन करी लीफ और ग्रीन चिली थोड़ा सा सौते करने के बाद मैंने हल्दी डाल दिया और फिर बनाना उठा के डाल दिया इसमें देखो, और फिर अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद सॉल्ट ऐड कर दिया, तो मतलब इतना टेस्टी और इतना अच्छा बना था ना, बहुत अच्छा लगता है इसमें कोई मसाले वसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एकदम चिप्स की तरह लगता है, और पराठे या राइस दाल राइस के साथ भी ना बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे करना था फिश फ्राई, यहाँ पे फिश था और ये फिश का नाम है कैप्टन,
ये मेरे घर की मतलब फेवरेट फिश है, इसमें ज़्यादा वो बोन्स वगैरह नहीं होते और मेरे बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़िश बनाना ले लिया था, फ़िश बनाने को ले लिया था। तो बस मसाले वगैरह ऐड किए मैंने इसमें, थोड़ा सा कोरिएंडर वगैरह और गरम मसाला और फिर हल्दी। अब चिली पाउडर तो मैं ऐड नहीं करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर है ना जिंजर गार्लिक और एक ग्रीन चिली जो है उसको कूट लिया था, और फिर वो बस मिक्स करके है ना इसको मैंने हाफ एन आवर के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे है ना दाल राइस वाली जो खिचड़ी है वो भी पकानी थी। और फ़िश फ्राई और दाल राइस वाली जो खिचड़ी होती है उसका तो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है साथ में। तो इतना टाइम नहीं था ना मेरे पास, तो जब मैं आई ना तो ऑलमोस्ट 9:30 के ऊपर हो गया था कुछ, तो मैंने फटाफट अपना खाना बनाने को ही ले लिया विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। तो बस खिचड़ी मैंने छौंक दिया और उसको एक तरफ रख दिया, और फिर मैं दूसरी तरफ मैंने फ़िश फ्राई करने को रख दिया, ताकि मतलब साथ में ही दोनों पक जाए ना, तो दो ही गरम गरम खा सकते हैं। फिर वेदर भी थोड़ा सा विंडी था, आपने देखा होगा बाहर का वेदर, कपड़े मेरे लहरा रहे थे। सो या यहाँ पर मेरी फ़िश हो रही थी फ्राई, और ये भी है ना बहुत टेस्टी फिश होती है। यही एक फ़िश है जो मुझे अच्छी लगती है, मेरी फैमिली को अच्छी लगती है, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है, और मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होता कि इसमें बहुत सारे बोन्स हो गए करके। इसमें एक आधा बोन होता है और वो भी मोटे मोटे होते हैं ना, तो वो एकदम से पता चल जाता है, और ये थोड़ा सा टेस्टी भी लगता है। अदरवाइज़ आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ फ़िश, स्पेशली मॉरिशस में, और मैं हमेशा ही मुंबई की जो फ़िश होती है बॉम्बे डक और फिर मैकरेल या फिर ये सब कुछ, वो तो मैं बहुत ही मिस करती हूँ। खुश किया ये बट एनी वेज जो भी अभी मिल रहा था नमक वगैरह सब बराबर है। तो कैप्टन फिश इस संडे को हमने खाया और यहाँ पर ये फ्राई कर रही थी, अभी तक शुरू नहीं किया, तो खाओ तो जरा देखे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन। मैंने भी खाने खा के शुरू ही नहीं किया। It's good? मैंने भी खाने। तो खाओ देखे तो फिश में नमक बराबर है। लंच के बाद मैंने ना बच्चों को नहला दिया, दोनों को ही शावर दे दिया, हेयर वॉश करना था इनका, आज संडे था इसीलिए मैं मेरे बच्चों का हेयर वॉश से पेटी वॉक करती हूँ। संडे को रिजर्व कर रखा ये दिन दोनों का ही हेयर वॉश करने का, फिर मैं नहीं करती। स्कूल डे होता है तो आते ही नहीं, ये लोग 4 बजे उसके बाद उनको निकालना होता है ताकि मैं खाने पीने को दे सकूँ इनको, और इतना टाइम नहीं होता वीक डेज में एक्चुअली, और हमेशा वेदर विंडी होता है तो मुझे डर लगता है कहीं बीमार नहीं हो जाए ना। तो एक तरफ मैंने किचन थोड़ा साफ़ कर दिया था, क्योंकि संडे था ना तो किचन भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी था मेरा, बहुत मेस हो गया था, यहाँ वहाँ तेल के छींटे भी गिरे हुए थे, तो ये तो मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। फ़ोन को अपने साइड में रख के तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, पर किचन साफ़ करने के बाद ये जो पानी की डेगची होती है ये भी मैंने वॉश कर दिया, क्योंकि ये भी 3-4 दिन के ऊपर हो गया था, मैंने वॉश नहीं किया था इसको, ऐसे ही पानी गर्म करके पी रहे थे। इसमें मैं क्या बताऊँ, जैसे एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता है ना तो मुझे है ना मतलब स्ट्रेस ज़्यादा शुरू हो जाता है, और मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं भूलने लगती हूँ इनके पढ़ाई के चक्कर में, एंड आई एम ऑल अलोन, तो मैं एक चीज़ करती हूँ और एक चीज़ भूल जाती हूँ ना, ऐसे काफ़ी बार हो जाता है। बट एनीवेज एंड में मैंने ये क्लीन कर दिया, वॉश कर दिया, पानी ख़त्म हो गया था पीने का तो वो भी भर के मैंने बोला लगे हाथ भर के रख दूँ, क्योंकि ठंडा भी होना ज़रूरी ना, अब इतना हॉट हॉट वाटर तो पियेंगे नहीं, तो पानी भर के रख दिया। फिर मैंने उसको गर्म करके थोड़ा सा ठंडा करने के लिए भी निकाल दिया। अब यहाँ देखो थोड़ी सी फ़िश बची थी और ये सिया से रहा नहीं गया, वो चलते ही फिरते बचा कुचा फ़िश भी उसने ख़त्म कर दिया। फिर यहाँ पर मैं आई थी, अपना किचन टॉवल जो है इसको मैंने भिगो दिया बाइकाब में, फिर थोड़ा सा पेट्रोल का जो था ग्रीस रिमूवल वो, और डिटर्जेंट के साथ ये जो टॉवेल है इसमें फ़िश वगैरह बनाया था ना तो थोड़ी सी स्मेल वगैरह भी हो गई थी, तो मैंने कहा कि इसको जल्दी जल्दी मतलब वॉश करके हटा दूँ, थोड़ी देर भिगो के रखूँगी ना तो फिर ये अच्छे से क्लीन हो जाएगी, एकदम साफ़ हो जाएगा टॉवेल। तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया ये सिया के चक्कर में, वो बीच में आ गई बाल बनवाने के लिए, तो ये देखो पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया। उसके बाद फिर क्या, फिर मैंने खीर बना दी, और हमेशा की तरह यहाँ भी थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया। अब ज़रूर मेरी मम्मी मुझे फ़ोन करके बोलेगी तुमने खीर में पानी बहुत डाल दिया,
आई नो, पर मेरा इंटेंशन नहीं था इतना पानी डालने का, पर मैंने लिक्विड वाला मिल्क डाला ना तो थोड़ा ज्यादा हो गया। बोला तो नींद आ रही है। फिर उसके बाद खीर वगैरह खिलाने के बाद ये देखो कैसे घोड़े बेचकर दोनों सो रहे हैं। कल एग्जाम है और आज ये लोग शाम को ही सो गए। दिन भर खेलते खेलते तो मैंने थोड़ी देर सोने दिया ताकि माइंड रिफ्रेश रहे जब मैं बाद में उनको रिविजन कराऊँ। उसके बाद फिर मैंने खाना वाना बना लिया। शाम को सिर्फ मैंने एग बनाए थे और बनाना की तो सब्जी थी ना, तो बस मैंने फुलके बनाए। मैंने मतलब ऑयल या घी वगैरह नहीं लगाया क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत ऑयल का खा लिया था। आपको पता है वो सागू का जो वड़ा होता है ना उसमें भी बहुत सारा तेल खींच। हजार व्यूज। तुम क्या बता रही हो? मुझे लगा है। लगा है? बताओ तो। देखो। मुझे तो नहीं दिख रहा कहाँ लगा। एक मिनट रुको तो। रेड कलर का नहीं दिख रहा? अच्छा ये कैसा लग गया तुमको? ये कैसा लगा तुमको ये मोमो? पीछे थे तो कौन बोलता है तुमको पीछे जाने के लिए? आज मैंने इनको बहुत डांटा है क्योंकि पीछे भाग भाग के जा रहे हैं कंपोस्ट के पास में। इंडिया 1-6 विकेट। छोटू से और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अच्छा यशु, मैंने तो अभी सोचा ही नहीं, मैं तो वहीं पे देख रही हूँ। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। फॉलो करना मत भूलिएगा फेसबुक पे भी। हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखने का अपना ख्याल रखने का ओके। ऐसे तुम बोल रही हो कि जैसे कि हमेशा तुम ही उनका ख्याल रखती हो। ऐसे बोल रही है जैसे कि ये सबकी मम्मा है। अपना ख्याल रखने का गाइस। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।